नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ स्ट्रेंज फैक्ट्स वर्ल्ड वाइड से। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंग्रेवर पेन। इसका प्रोडक्ट का जो नाम है वो एक्चुअली एंग्रेव इट है। ये एंग्रेवर पेन कहलाता है। एंग्रेव का मतलब होता है कहीं पे भी एक तरह का गड्ढा करना या खड्डा करके किसी चीज़ को, या गोद कर किसी चीज़ को लिखना। जैसे हम किसी चीज़ की गुदाई करते हैं तो वहाँ एक मतलब वहाँ पे गड्ढा सा हो जाता है। देखो जैसे मैंने इससे लिखा हुआ है, ये गड्ढा करके लिखा गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप बर्तन वालों के पास जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि इस पर नाम लिख के दे दो। ये काफ़ी कुछ उसी से रिलेटेड वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों इसका कार्य दिखाने से पहले मैं इसको ओपन करवा लेता हूँ। आप जरा इसको खोल के दिखाइए। ये अनबॉक्सिंग हो रही है फर्स्ट टाइम इसकी। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग के लिए दोबारा दिखाया इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें एक फाइन टिप मिलती है, ये पतली वाली, और एक मिलती है हमें इसमें हैवी वाली टिप, जो ये है, ये हैवी टिप है। ये हैवी टिप आप देखोगे कि और ये फाइन वाली टिप मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों फाइन टिप से जो मैंने लिखा था वो ये है ऊपर वाला। और जो मैंने मोटी वाली टिप से लिखा है, बोल्ड वाली टिप से, वो ये लिखा है। मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगा कैसे लिखा था, बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मेन फंक्शन क्या था, पुराने दिनों में इसको कैसे यूज करते थे लोग, मतलब इसका रोल क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो थोड़ा तो मैं इसे पकड़ना पड़ेगा ग्लास को। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि ये किसी भी मेटल में, किसी भी प्लास्टिक सरफेस पे और कहीं पर भी ये बहुत अच्छे से लिख लेता है। देखो ये प्लास्टिक का ढक्कन है। दोस्तों मेरे को इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, जब मेरा हाथ साफ हो जाएगा तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी इसमें ड्राइंग्स बना सकता हूँ। लोगों ने, आप यूट्यूब के और दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाए हुए हैं इस पे। मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि मैं यहाँ पे ये बेड पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता मेरे बेड पे ग्लास के टुकड़े आ जाएं। आप एक बाहर पे कहीं पे जाके किसी ग्लास पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने पेपर पे कैसे लिखा था। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा वुड पे करके दिखा देता हूँ। एक वीडियो में दोस्तों सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं होता। मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आपको जितना हो सके बता देता हूँ कैसे करना है।
दोस्तों आप इस तरह से एंग्रेविंग कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एंग्रेविंग कहते हैं किसी भी चीज़ को धंसा कर लिखना, या इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग बाय जस्ट लाइक यू मेकिंग टैटूज। जैसे आप टैटू बनवाने जाते हैं ना, तो गोद के कुछ लिखते हैं, तो गोदना इंग्लिश में एंग्रेव हो गया। और कुछ उभार के लिखते हैं तो एम्बॉस होता है। एम्बॉस का मतलब आप कुछ उभरा उभरा सा लिख रहे हैं तो वो एम्बॉसिंग है। एंड जो धसा के कोई चीज़ या काट के उस चीज़ को लिखा जाता है तो वो एंग्रेविंग है। दोस्तों इसके लिए लेज़र मशीनें भी आती हैं मार्केट में बहुत अच्छी, बट लेज़र एक ऑटोमेटिक काम हो गया, यहाँ पे हम ये मैनुअल काम कर रहे हैं। दोस्तों ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स पे ये देखो, इस पे MRP तो इन्होंने 599 लिखा हुआ है, बट ये आपको 200-300 रुपये तक बहुत ईजिली ये वाला टूल मिल जाता है। अगर आपको दोस्तों इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिए। मैं आपका जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको इसके बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, आप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में है, तो मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे मतलब हम इसको मतलब और प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो मेरी ये साथ में ध्रुव है, उसने क्या कोशिश किया था प्रैक्टिस करने के लिए, केन पर भी इसने किया है। इस तरह से बहुत आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। अभी हम लोग खुद इसमें बहुत फ्रेशर हैं, तो अभी हमारे पास खुद हो सकता है आर्ट वर्क इतना अच्छा ना हो, आप लोगों के हाथ में आर्ट वर्क है तो आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।